आपका क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 24 मीटर्स, द हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 11 मीटर्स, व्हाइल द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट। ठीक है ना, तो इसको धीरे धीरे समझो इसने क्या बोला है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, देयर इज अ टेंट। टेंट के अंदर आपका क्या क्या है, तो देयर इज अ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, दिस इज योर सिलेंडर। ठीक है नाउ, फिर इसने आगे क्या कहा है, देखो इसने कहा आगे सरमाउंटेड बाय अ कोन, दैट मींस अ कोन इज ऑन द सिलेंडर। तो आपका कोन इज ऑन द सिलेंडर, दिस इज योर कोन। ठीक है नाउ, अब देखो इसने मेजर्स क्या दिए है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 24 मीटर्स, तो दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज डायमीटर इज इक्वल टू 24 मीटर्स। तो रेडियस क्या हो गया इसका, 12 मीटर्स हाफ, तो रेडियस इज इक्वल टू 12 मीटर्स। नाउ तो आर रेडियस हमारा कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम सेंटर टू वन पॉइंट, दिस इज योर रेडियस। तो अगर यहां पर 12 है तो यहां पर भी 12 होगा आपका, तो दैट मींस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ कोन। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स। दोनों के रेडियस आर सेम, सिलेंडर का एंड कोन का। फिर आगे देखो मेजर इसने क्या दिया है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 11 मीटर्स, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 11 मीटर्स। तो वी कैन राइट एच इज इक्वल टू 11 मीटर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 11 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट मेजर इसने क्या दिया, देखो द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट मींस वर्टेक्स कहां पर है, यहां पर, तो दिस इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। तो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 16 मीटर्स, टोटल इज 16 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 11 इज द सिलेंडर, तो 16 माइनस 11, तो हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 16 माइनस 11, दैट गिव्स यू 5 मीटर्स। तो यहां पर हम लिखते हैं हाइट ऑफ कोन That is equal to 5 meters. ठीक है ना, नेक्स्ट इसने क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। तो कैनवास आपको किसके लिए चाहिए, एक तो सिलेंडर के लिए चाहिए, दूसरा टेंट के लिए चाहिए। तो वी रिक्वायर्ड ओनली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोथ। तो हम वही लिखेंगे, कैनवास रिक्वायर्ड That is equal to CSA of cone plus CSA of cylinder. ठीक है नाउ, अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं हम, तो देखो आपका क्या आ रहा है, CSA of a cone is pi RL plus CSA of a cylinder is 2 pi RH. वेर दोनों का आर इज सेम, है ना, रेडियस इज सेम, तो कॉमन क्या हो गया, पाई आर इज कॉमन, तो पाई एंड आर इज कॉमन, तो आपका बच गया एल प्लस 2H। ठीक है नाउ, अब हम फाइंड आउट करेंगे एल, तो एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, दैट इज दिस वन।
तो स्लैंट हाइट हम कैसे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा हुआ एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू कितना है? आर स्क्वायर इज 12 स्क्वायर इज 144 प्लस एच स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25। तो दैट गिव्स यू कितना हुआ? 169। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज 169। देन व्हाट इज योर एल? एल इज इक्वल टू रूट ओवर 169। तो दैट इज इक्वल टू 13 मीटर्स, क्योंकि 13 का स्क्वायर इज 169। ठीक है, नाउ अब वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर। देखो आपका क्या आ रहा है, 22/7 इंटू आर इज 12 इंटू एल, एल इज 13 प्लस 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 11 इज 22। तो अब क्या हो गया आपका, देखो 22/7 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 22 इज 35। 7 से कट करो, ये आ गया 5, 5 इंटू 12 इज 60 इंटू 22, 22 इंटू 60, तो 0 का 0 एंड 132, 22 इंटू 6 इज 132। तो आप क्या आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर इज द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ टेंट। ठीक है,